लोकभवन में सीएम योगी ने की बैठक, सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का दिया प्रेजेंटेशन, 100 दिनों का पेश किया खाका, सीएम ने दिए निर्देश, करना होगा टारगेट आधारित काम। सीएम की बैठक के बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सभी मंत्रालयों को 10 सेक्टर में बांटा गया, 100 दिन का लक्ष्य रखा गया, यूपी में एक नई क्रांति आएगी। सीएम की बैठक के बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, कहा 100 दिन में 90 रोजगार मेले लगाने का टारगेट, स्किल मैपिंग कराकर करीब 50,000 लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस बार सभी विभागों की सामूहिक प्रेजेंटेशन हुई, 12 अप्रैल के बाद सभी विभागों की अलग अलग प्रेजेंटेशन होगी, अपने अपने विभाग का खाका पेश करेंगे मंत्री। मुर्तजा के घर पहुंची एटीएस की टीम ने एक घंटे तक की पूछताछ, घर से एक बैग लेकर निकली एटीएस की टीम, एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। मुर्तजा मामले में बड़ा खुलासा, तलाशी में मुर्तजा के कमरे से मिली आतंकियों की डिटेल, पूछताछ के दौरान पुलिस को मिली थी जानकारी। मुर्तजा के लैपटॉप से एटीएस को मिली अहम जानकारी, लैपटॉप में मौजूद सीक्रेट फाइल में किसी खास मेहमान का जिक्र, नेपाल से आने वाला था खास मेहमान, तलाश में जुटी एटीएस। गोरखपुर हमला मामले में सूत्रों के वाले से बड़ी खबर, हमले के आरोपी को लखनऊ ले गई एटीएस, लखनऊ ले जाने से पहले मुर्तजा का बीआरडी में कराया गया मेडिकल। जौनपुर में मुर्तजा अब्बास की पहली पत्नी से यूपी एटीएस ने की पूछताछ, पहली पत्नी शादमा और परिवार वालों से हुई पूछताछ। मुर्तजा की पहली पत्नी के पिता मुजफ्फरुल हक ने कहा, मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी, तलाक के बाद हमारा मुर्तजा से कोई संबंध नहीं। गोरखपीठ पर हमले के बाद बढ़ाई गई मंदिरों की सुरक्षा, प्रयागराज मथुरा वाराणसी में सुरक्षा बढ़ी, एडीजी सिक्योरिटी बोले आतंकियों से निपटने के लिए तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी लोगों की फरियाद, हिंदू सेवा आश्रम में यूपी के कोने कोने से आए फरियादी। गोरखपुर में सीएम योगी का दिखा जुदा अंदाज, योगी आदित्यनाथ ने कल्लू और गुल्लू को खिलाया गुड़। केजीएमसी में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का छापा, बिना प्रोटोकॉल के पहुंचे थे मंत्री, चुपचाप व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। अयोध्या में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस पलटी, घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, सरकार ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान। अलीगढ़ में कैंटर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौके पर मौत, करीब 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की आवास संपत्ति पर चला बुलडोजर, 8 बीघा जमीन कराई गई कब्जा मुक्त, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था मकान। हरदोई में किशोरी के सिर पर हमला कर हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ में पति ने पत्नी पर चलाई गोली, पीड़िता ने पति और उसके साथी के खिलाफ दी तहरीर, गोपागंज थाना क्षेत्र के हिलसा गांव का मामला। फरुखाबाद में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा। रायबरेली में झोले में भरकर फेंका गया नवजात का शव, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हैलेट अस्पताल से फरार हुए इटावा जिले का कैदी, डकैती और हत्या के मामले में काट रहा था उम्र कैद। जौनपुर में 2 पक्षों में चली गोली, हादसे में 4 लोग जख्मी, शराब गांजा पीने से मना करने पर विवाद खड़ा हुआ। शामली पुलिस ने AK-47 के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद, एक गाड़ी भी पकड़ी गई, पहले भी मर्डर केस में जा चुका है जेल। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की, 13 बाइक बरामद। झांसी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 1 आरोपी को गिरफ्तार कर 5 बाइकें बरामद की, दूसरा आरोपी मौके से फरार। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर समेत 3 लोग गिरफ्तार, मोबाइल टावरों से वसूली के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले पुलिस के सामने महिला से हुई थी चेन स्नैचिंग।
गाजियाबाद में जीआरपी ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले छात्र को किया गिरफ्तार। आरोपी चोर से चोरी के कई मोबाइल बरामद। जौनपुर के नेवदिया मां के शीतला धाम मंदिर में चेन चोरी की वारदात सामने आई है। पूजा अर्चना के दौरान चेन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला। बदायूं में व्यापारी से 5 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश तमंचे के बल पर लूट ले गए 5 लाख कैश। बाराबंकी पुलिस का साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2 महीने में लोगों के खाते से निकले 5 लाख रुपए कराए वापस। कासगंज पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे फर्जी शिक्षक को किया गिरफ्तार। फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में चल रहा था फरार। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट, केलहट स्थित महाविद्यालय में ब्लॉक प्रमुख ने बांटे सरकारी टैबलेट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, कोर्ट ने कहा डीएम आदेश का पालन करें या 5 अगस्त को हाजिर हों। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 126वीं बोर्ड मीटिंग हुई संपन्न। 2022-23 का प्राधिकरण का 5100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। आग बुझाने का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण मिलकर खरीदेंगे। 6 करोड़ की 72 मीटर ऊंची होगी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण जूते की दुकान में लगी आग। आग लगने के बाद आस पड़ोस के दुकानदारों में मची खलबली। बदायूं के रामजीत की मढ़ैया गांव में लगी आग, भीषण आग में जलकर खाक हुए 25 घर। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। चंदौली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रामीणों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग। श्रावस्ती में भी अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में लगी आग, करीब 50 बीघा फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। चंदौली में आग से प्रभावित गेहूं किसानों से मिला सपा डेलीगेशन, सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। बुलंदशहर में फर्जी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसमें भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। लंबे समय से आदमी की भर्ती होने का इंतजार कर रहे दर्जनों युवाओं ने किया प्रदर्शन। सहारनपुर जेल के बाहर कैदी का शव रखकर परिजनों ने किया रोड जाम, जेल प्रशासन पर इलाज न करने का आरोप लगाया। जालौन में थोक गल्ला मंडी के बाहर शराब ठेका खोलने का विरोध, दुकान बंद कर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च में महिला पुलिसकर्मी भी हुई शामिल। वाराणसी में मां कुष्मांडा के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त, नवरात्र के चौथे दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन, मां गौरी के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना। जालौन के ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, दूर दूर से पहुंचते हैं भक्त। औरैया में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का पथ संचालन कर रहे स्वयं सेवकों पर जगह जगह की गई पुष्प वर्षा। मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर पर फतवा जारी करने का आरोपी गिरफ्तार। आरएसएस के पथ संचालन के दौरान फूलों के बारिश करने पर डॉक्टर पर फतवा जारी हुआ था। देहरादून में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से सीएम धामी ने की मुलाकात, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा। पहाड़ों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आने लगी है। हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में जल संकट बढ़ा है। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में बह गए 2 सगे भाई, सूचना पर पहुंची पुलिस टीम, दोनों भाइयों की तलाश में जुटी। जसपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, दुकान में पहुंची मां को खून से लथपथ पड़ा मिला बेटे का शव। जसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तस्कर से स्मैक भी बरामद की। रुड़की बस डिपो का हरिद्वार बस डिपो में विलय होने का विरोध, रोडवेज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में चाची पर नाबालिग भतीजे का यौन शोषण करने का आरोप, परिजनों के मुताबिक एचआईवी पॉजिटिव है महिला। भारत सरकार ने ब्लॉक किए 22 YouTube चैनल, 4 पाकिस्तानी समेत 18 भारतीय YouTube बंद।
स्थापना दिवस के मौके पर सजाया गया बीजेपी मुख्यालय। सुबह 10 बजे पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, संसद और स्थापना दिवस पर हुआ मंथन। बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए डिजाइन की केसरिया टोपी, टोपी पर कमल के फूल का निशान मौजूद। उत्तराखंड के ब्रह्म कमल टोपी जैसी दिखती है टोपी। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को दौरा, कश्मीरी पंडितों से भी कर सकते हैं बात। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, लोकतंत्र और समाज के लिए कांग्रेस जरूरी, बीजेपी पर देश को तोड़ने और ध्रुवीकरण का आरोप। 21 मार्च को हुई टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या का वीडियो आया सामने, बाइक सवार हमलावरों ने बम फेंक कर ली जान। दिल्ली में अब तीन नहीं एक होगी एमसीडी, तीनों एमसीडी को एक करने वाला बिल राज्यसभा से भी पास, लोकसभा से पहले ही हो चुका है बिल पास। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों की 4,81,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त। ईडी ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों की चल अचल संपत्ति पीएमएलए के तहत की जब्त। सीबीआई ने साल 2017 में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। मुंबई में पात्रा चोल जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की 11,15,00,000 की संपत्ति को अटैच किया। ईडी ने संजय राउत की कई संपत्तियों को किया जब्त, संजय राउत पर 1,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से तेल के दाम बढ़े, 2 हफ्ते में 5% तेल की कीमत बढ़ी। कल लॉन्च होगा इतिहास का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन, अमेरिकी प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजेगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, दोनों देशों के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को लगाई फटकार, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराने पर लगाई फटकार। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा वोटिंग नहीं कराना कानून के खिलाफ, विपक्ष ने बताया इमरान को झूठा। सुनवाई के वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी, कहा संविधान के आदेश नेशनल असेंबली के नियमों से ऊपर है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच चुनाव आयोग का बयान, कहा अगले 3 महीने तक चुनाव कराना संभव नहीं। इमरान खान पर शहबाज शरीफ का पलटवार, कहा इमरान लगातार झूठ बोल रहे हैं, संसद में संविधान का उल्लंघन किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, इमरान खान ने पाक को महंगाई में डुबो दिया, विपक्ष ने गद्दारी की है तो सबूत लाएं इमरान। महंगाई को लेकर पेरू में आपातकाल घोषित, पेरू के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। पेरू में महंगाई के से परेशान जनता कर रही विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी लीमा में कर्फ्यू, लीमा और केलाओ में पूरे दिन कर्फ्यू घोषित। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पेरू में भी श्रीलंका जैसे हालात, महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतरी। पेरू में लूट के डर से व्यापारियों ने बाजार किए बंद, पेरू में कई सप्लाई सेंटर ने फूड सप्लाई रोकी, बाजार बंद होने से जनता को हो रही परेशानी। श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी ने खोया बहुमत, गोटबाया के गठबंधन से 47 सांसद बाहर, विपक्षी पार्टी ने कहा हम जनता के साथ। यूक्रेन में ओडिशा के एक फ्यूल स्टोरेज टैंक पर रूस ने किया मिसाइल अटैक, हमले में पूरी तरीके से तबाह हुआ फ्यूल स्टोरेज टैंक। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट, सुबह सुबह राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों में बजे चेतावनी के सायरन। यूक्रेनी सेना पर चेचन लड़ाकों के हमले, रूस के चेचनिया क्षेत्र के नेता कादिरोव ने जारी किया एक और वीडियो, वीडियो में भारी गोलीबारी करते दिखे चेचन लड़ाकू। यूक्रेन पर रूस ने TOR मिसाइल सिस्टम से किया हमला, यूक्रेनी सैन्य अड्डे को बनाया निशाना, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल में आमने सामने की जंग जारी, चेचन लड़ाके यूक्रेनी सेना पर कर रहे भारी गोलीबारी। मारियोपोल में विरोधी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे जवान, गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। अभिनेत्री यामी गौतम का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक,
ट्वीट कर दिए फैंस को सतर्क रहने की सलाह। नीतू कपूर ने नोरा फतेही के साथ नाच मेरी रानी पर किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर शेयर किया डांस का वीडियो। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 14 अप्रैल को होगी रिलीज, कोरोना के बढ़ते केस के बाद टल गई थी फिल्म की लॉन्चिंग। तेज गर्मी से इंसान ही नहीं हर कोई बेहाल है, सोशल मीडिया पर बेहद ही प्यारा वीडियो वायरल। सफर पर जाने से पहले डॉगी ने हेलमेट पहन रखा है, समझदार डॉगी का वीडियो शेयर कर लोग कह रहे अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सड़क किनारे चाय सर्व करते युवक का वीडियो वायरल, हाथों में कई ग्लास लेकिन चाय सर्व करने की स्टाइल बेहद खास। बाइक सवार युवकों को स्टंट करना पड़ा भारी, सामने से आ रही कार में बाइक की टक्कर, बाल बाल बची युवक की जान, हादसे का वीडियो आया सामने।